अब डिवोर्स को नॉर्मलाइज करना भी बहुत जरूरी है, ये मेरा अपना जाती राय है। मैं ये नहीं कह रही इनकरेज करें और कहें कि जब मुश्किल हालात हो जाएं तो आप भाग के चले जाएं, वो तो अगले महीने ही हो जाते हैं ना फिर। सही, एग्जैक्टली 15 मिनट बाद आप कहते हैं मैंने ये क्या किया। बिल्कुल, लेकिन अपनी इस चीज को नॉर्मलाइज करना जरूरी भी है। हाँ देखिए, बात यह कि मैं अब बड़ी अजीब सी उसमें आ गई हूँ, कन्फ्यूजन में। डिवोर्स एक हल तो है जी, आपकी जिंदगी के एक बैड पैच से निकलने का, मगर मैं जैसे मेरी 36 इयर्स के बाद मैंने ही फैसला किया, मेरे पास राइट ऑफ डिवोर्स था, ये भी मेरे अब्बा ने करके दिया था कि मेरी बेटी जब चाहे वो डिवोर्स दे सके। सो आई हैव अनदर स्टेटस, आई एम नॉट द वन हुज बीन डिवोर्स बाय समबडी, आई गेव हिम द डिवोर्स। ठीक है, कोई बात नहीं थी, किसी की बेइज्जती नहीं, वो उनकी कोई बहन के साथ ऐसा हुआ था तो मेरे अब्बा ने कहा था ऐसा ना हो कि मेरी बेटियों को तंग करे, ठीक हो गया। लेकिन जब तक हमें समझ आई कि गड़बड़ है, और होती है हमेशा, दो इंटेलिजेंट लोग आपस में टकराते भी हैं और बहुत सी चीज़ें होती हैं, प्रॉब्लम होते हैं, तो जब तक ये लगा कि बहुत मुश्किल हो रहा है तब तक तो बच्चे स्कूल जा रहे थे। हाँ जी, वही मैं कह रही हूँ, ऐसा नहीं है कि हम और आप लोगों की जनरेशन 5-5, 6-6 साल तो बच्चे ही नहीं, आप लोगों के, आप लोग फैमिली नहीं बनाते, तो आपके पास बहुत टाइम होता है सोचने का, अच्छा अभी अच्छा भी और नहीं भी है। कभी कभी टाइम नहीं भी होता। अच्छा हाँ, अभी अच्छा भी है, क्योंकि इसकी तरह तो फिर घर ही नहीं चलेंगे किसी के, सबके घर टूट जाएंगे। तो अगर कोई इतना ही चलाक बैठा रहेगा कि नहीं अभी बच्चे नहीं, अभी अभी ठहर जाओ, अभी चेक कर ले, तो फिर तो किसी का घर भी नहीं बसेगा। अच्छा, लेकिन ये दिस इज गुड एडवाइस है ना, आपको फिर अपने आप को एक चांस तो देना चाहिए, फिर फैमिली भी तो बनानी होती है, बच्चे, उनकी खुशियां होती हैं, उनके बच्चे होते हैं, सो एक पूरा प्रोसेस है। अगर बिल्कुल वेल्ले ही बैठे रहे हैं फिर क्या क्या ये सच है कि जब आपके बच्चे होते हैं आपकी जिंदगी बदल जाती है? बहुत बदल जाती है। लो मैं तो 2-3 बजे तक उठती नहीं थी पहले, जब नरिमान पैदा हुई है तो सुबह उठ के दूध पिलाना है, वो तो सबकी चेंज होती है लाइफ। आई मीन मुझे जॉय आता है। हाँ हाँ, वो तो खैर अपनी जगह है, बेबीज का वो जॉय, फिर उनके बच्चों का जॉय, वो तो फिर आप अभी अगर मैंने आपको टेढ़ा हो जाएगा अल्लाह में मुशाफा। लेकिन डिवोर्स इज एक हर चीज़ का, मैं पता क्या करती थी, जब भी ऐसी मुझे कोई टेंशन होती थी, जो भी जमाना था, मैं सोचती थी ये सिचुएशन बेहतर है या उसके बाद वाली, इससे बेहतर है नहीं, अगर इससे बेहतर नहीं है तो फिर यही ठीक है, क्योंकि बेटियां थी ना, बच्चियां, तो मैं कहती थी कि भाई अगर इसमें से निकल के इनको किसी और ने परेशान किया, क्योंकि शायद मैं कोई और गलती कर लूँ, क्या पता 4 ऑप्शन आए तो मैं फिर एक बोंगी मार दूँ, क्या पता, एज कम होती ना आप, तो मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, फिर एक बंदा परेशान है तो दो और परेशान होंगे, और क्या उसने भी अगर वर्क नहीं किया, अच्छा चलो छोड़ो कोई बात नहीं, जो इश्यूज यहाँ हैं कुछ इश्यूज वहाँ भी होंगे, बिल्कुल हर जगह होते हैं, तो फिर यहाँ ये है कि कम से कम दो बच्चे तो परेशान नहीं है, ऐसे करके ना तो 36 इयर्स तक हम चलाते रहे। फिर जब बच्चे अपने घर चले गए, बच्चों के बच्चे भी हो गए, बिल्कुल, फिर एक जगह ऐसी आई कि कहा कि अब चलो एक दूसरे को रिलीफ देते। तो बुशापा, एक आदमी में सबसे अट्रैक्टिव क्वालिटीज क्या हैं? उसका बहुत जेंटल और जेन्युइन होना। जी बिल्कुल, जेन्युइन होने के साथ उसका जेंटल होना भी जरूरी नहीं, उसके अंदर जेन्युइन भी होना चाहिए। बिल्कुल, वो तो ऑफ कोर्स नहीं कि अच्छा ऊपर से बड़े मीठे अंदर से पता नहीं क्या, जेन्युइन और अच्छी सोल, वही फिर उसके साथ आपका जेंटल बिहेवियर तो सारा काम हो गया। बिल्कुल, अगर सुबह सुबह उठ के आपके बर्तन धोए, आपके कपड़े सी करे, तो इससे अच्छा और क्या, मेरा ये मतलब था असल में। अच्छा, और आपकी सक्सेस को सेलिब्रेट करे और अच्छा लगे कि आप एक इतनी बड़ी हस्ती हैं और आप एक इतनी, मतलब जी मुश्किल होता है लोगों के लिए, थोड़ा सा परेशानी हो जाती है, बस वो भी मैं कहती हूँ कि औरतें नहीं वैसे होती परेशान अपने खावंद की सक्सेस से, या प्रॉबेबली वो उसके उसके शेडो में रह के खुश रहती हैं, क्योंकि हमें सिखाया ही है। हाँ, मोस्टली कम खवातीन होती हैं जिनको कि अपने हस्बैंड्स की किसी भी सक्सेस से या उनकी किसी बड़ी अचीवमेंट से इनसिक्योरिटी हो, ये एक लफ्ज़ है, मर्दों को शायद हो जाती है। जी उषा, आप राइटर भी हैं, आपका ड्रामा मैं फॉलो कर रही हूँ और आई एम लविंग इट, एंड स्पेशली मुझे जो आप तीनों जो है ना साथ ही एक ड्रामे में, पहली दफा हुआ ना ऐसे? नहीं, हमने दीवारे शब में भी किया। अच्छा, दीवारे शब में ज़ारा कखर 2 एपिसोड में गेस्ट अपीयरेंस है। तो व्हाट इज द राइटिंग प्रोसेस लाइक फॉर यू? एक्चुअली एक तो खैर आप देखो कि जो भी पता नहीं कैसा ड्रामा है, लेकिन उसमें सास बहू का झगड़ा नहीं है, एटलीस्ट कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, प्रोडक्शन की इश्यूज हैं या और चीज़ें, क्योंकि हम चले गए थे कोविड में, कुछ चीज़ें हम नहीं कर पाए, कुछ प्रिविलेजेस हमें नहीं मिल सकी, बजट से आउट हुए, बहुत से प्रॉब्लम्स, वो एक अलग सीन। लेकिन मुझे, मेरे पास कहने को कहानियाँ बहुत सारी हैं। अब क्या हुआ कि कहानी कहने के लिए, कहानी का ड्रामा बनाने के लिए फिजिबिलिटी, बजट,
आर्टिस्ट की अवेलेबिलिटी, इतनी चीज़ें आ गई कि ये एक पूरा क्राफ्ट है, ये एक इट्स नॉट जस्ट दैट यू थिंक अबाउट समथिंग एंड यू स्टार्ट राइटिंग. नो नो आई नो. वो तो अफसाना निगार के पास है ना कि वो उसने लिख दिया हज़ार बंदा बाहर खड़ा चीखे मार रहा था. हज़ार बंदा कहाँ से आएगा? अब सोचना है कि ये तीन लोग हैं, ये दो लोग हैं, ये एक ही बेटा, ये एक ही बेटी, महंगा पड़ेगा, इतने का पड़ेगा, उतने, बहुत मुश्किल हो गया. लोग कर रहे हैं. मैं तो चूंकि अपने आप को राइटर ही नहीं कहती, कभी कभी दो तीन साल में ऐसे एक हाथ मारती हूँ. सो लिखने को दिल चाहता है, कुछ कहने को दिल चाहता है, मगर अब लगता है कि मुश्किल हो रहा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है. एक तो रिस्ट्रिक्शन बहुत हो गई हैं, दूसरे ड्रामा जिस ट्रेंड पे चला गया या तो वही लिखें, और फिर अगर आप उससे हटके लिखें तो वो इतना सक्सेसफुल नहीं होता. मैं अपना तो खैर क्या ही मिसाल दूँ, मैं तो फिर बार बार कहती हूँ कि आई एम नॉट अ राइटर. मैं तो ये मेरा 11वां सीरियल है वैसे पिछले 20 सालों में. Wow. और मैंने कोई 50 लॉन्ग प्लेज लिखे, लेकिन मैं पीटीवी से पीटीवी ओरिएंटेड हूँ. जी जी. राइटर हो या एक्टिंग हो जो भी है, क्योंकि हमने तो इतने बड़े बड़े लोगों के लिखे हुए ड्रामों में एक्ट किया हुआ है, तो कुछ ना कुछ वहाँ से है. वो पेस अब नहीं चाहिए लोगों को, एक्चुअली वो लोगों को अब नहीं चाहिए. क्या मतलब मुशापा, वो ह्यूमर, वो जो एक नज़ाकत थी उस दौर की, नहीं अब टाइम नहीं है. वो कहते तेज, इसके बाद कौन सा सीन, फिर कहाँ फ्रीज, फिर क्या ठका, फिर आंसू और चुपेड़. हाँ, वो उनकी ज़रूरत है. अब उन्होंने पैसा लगाया, बिजनेस है ना. पीटीवी सरकारी इदारा था, ड्रामा चले ना आप चले. कबाबों की गिनती कर रहे थे. हाँ. कि तुमने तो कहा था कि 12 कबाब होंगे, इसमें तो 9 है. और फिर उन्होंने अपने आप को कबाब खा लिया फिर बनाया वो अपने आप को, उन्होंने फेमिनिन प्रोनाउन यूज किया. मुझे इतनी हंसी आ रही थी, सो क्यूट ना, इतना डिसेंट तरीके से उन्होंने किया. तो वो अब लिखने का मैंने देखा ना, नूरहुदा शाह जैसी जो इतनी बड़ी राइटर है, बहुत उनके लिखे हुए प्लेस किए हैं, बहुत अच्छा लिखती हूँ. उन्होंने अब लिखना छोड़ दिया, वो ब्लॉग्स लिखती हैं और नॉवल शवल अपनी कोई कहानियाँ लिख रही, और ट्विटर पे बहुत एक्टिव. हाँ, बेसिकली वो शॉर्ट स्टोरी राइटर थी, बहुत अच्छी. तो अब उन्होंने कहा कि वो, क्योंकि या तो आप इस दौड़ में शामिल हो जाएं और फिर आप एक तरफ हो जाएं. मुझे भी लगता है कि मैं इस दौड़ में नहीं जा सकती, शायद नहीं, कोई बात नहीं, चल जाएगा हमारे बगैर भी काम. मुशापा, आपकी फेवरेट अदाकारा कौन है? देखो, आजकल के बच्चियाँ बहुत अच्छे अच्छे काम कर रही हैं, बहुत माशाल्लाह ब्रिलियंट एक्ट्रेसेस आई हैं. अब मैं ज़ारा का नाम तो नहीं लूँगी, वो तो आप सब लेते हैं. तो इकरा. अच्छा, इकरा बहुत अच्छा काम. आपको क्या उसमें पावरफुल नज़र आया? भाई, इकरा का मैंने रांझा देखा और भी ड्रामे देखे हैं, लेकिन उसके अंदर जो उसका कैरेक्टर को पहनना और उसके अंदर जो उसका आँखों का एक गेम है ना, बट शी इज़ ब्रिलियंट. आई मीन, वैसे तो सजल भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे पिछले कुछ दिनों में, एक आध दो सालों में, मुझे लगा कि इकरा इज़ डूइंग वंडर्स. ठीक. उशापा, पिछले साल हर साल औरत मार्च होती है पाकिस्तान में, और हमारे उधर स्लोगन्स भी उठते हैं. मैं भी गई, मैंने भी हिस्सा लिया. तो आपको औरत मार्च के बारे में आपके क्या तासुरात हैं, और वो स्लोगन्स जो यूज़ होते हैं? देखिए, ये बात तो हमें कहनी है, औरत मार्च का नाम औरत मार्च हो या कोई मार्च भी हो, ये बात तो कहनी है. जी.